गिरिडीह में नवरात्रि को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ मिलकर देर रात शहर का जायजा लिया और मौके पर मौजूद रहे संवाददाता श्रीकांत। परसों से नवरात्र शुरू है और ऐसे में विधि व्यवस्था का जायजा लेने खुद देर रात जिले के एसपी निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ लगातार ट्रैफिक व्यवस्था हो या विधि व्यवस्था हो या फिर पूजा पंडालों में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल हो, इन सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए खुद एसपी निकले हैं। देर रात सर शहर के अलग अलग पूजा पंडाल हो या फिर ट्रैफिक की व्यवस्था हो, सारी चीजों का निरीक्षण करने के लिए आप खुद निकले हैं सर। इस बार कैसी व्यवस्था रहेगी पूजा को लेकर? वो विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष फोकस रहेगा, साथ ही साथ ट्रैफिक स्मूथ रहे, कहीं कोई जहां भी भक्तजनों को आना जाना है वो काफी सुगम तरीके से जा सके। पार्किंग का अरेंजमेंट्स रहेगा और गाड़ियां कहां तक जानी है उसका एक लिमिटेशंस पहले से निर्धारित रहेगा, नो एंट्री पहले से बताई जाएंगी और सारे जगहों को हम लोग कंट्रोल रूम से वो जुड़ा रहेगा। कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो इमीडिएट ये बातें जो हैं हम लोगों को पता चल पाएंगी और उसके आधार पर कार्रवाई होगी। सब कुल मिलाकर पूजा के दौरान कितने फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो जिले भर में रहेगा? डिप्लॉयमेंट तो अभी हम लोग असेसमेंट कर ही रहे हैं, उसी के लिए ये पूरा जायजा ले रहे हैं, पर इतना है कि हम लोग पर्याप्त संख्या में जहाँ जितने पदाधिकारी की जरूरत हो या महिला फोर्सेस की जरूरत हो उसकी प्रतिनियुक्ति की जाए। त्योहारों के दौरान सर ऐसा देखा जाता है कि ट्रैफिक व्यवस्था के सिस्टम में बदलाव किया जाता है? इसमें बदलाव लाया जाएगा जहाँ पे कि उस तरह का चौक चौराहा है, जहाँ गाड़ियों को घुसने की जगह नहीं है उनके लिए अलग से पार्किंग अलॉट किया जाएगा या ट्रैफिक हम लोग डाइवर्ट करेंगे, रूट भी डाइवर्ट किया जाएगा और उसकी जानकारी भी दी जाएगी। पहले ही सभी नागरिकों को जानकारी दी जाएगी कि हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं इस रूट को और इस रूट से आप जा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी पहले ही दी जाएगी। तो चाहे पूजा पंडाल हो या फिर ट्रैफिक व्यवस्था हो, सारे चीजों को दुरुस्त तरीके से लागू किया जाएगा और किसी भी सूरत में कोई अव्यवस्था ना हो इसके लिए लगातार खुद एसपी देर रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोगों को कैसे बेहतर सुविधा मिल सके इसके लिए पुलिस लगातार मुस्तैद है और लोगों की सुविधा के लिए 24 घंटे पुलिस कार्य कर रही है। अपने सहयोगी राहुल और नवाज के साथ न्यूज 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।